हाय फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर है केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। ये जिपमर में अब तक में 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर इन P4O10? कितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं P4O10 में? तो यहाँ पे 4 फॉस्फोरस है और 10 ऑक्सीजन है। और 4 ऑक्सीजन जो होते हैं वो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं फास्फोरस से, और 6 ऑक्सीजन 2 फास्फोरस के बीच में होते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसमें 16 सिग्मा बॉन्ड होंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10 इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रत्येक इच फास्फोरस से 4 ऑक्सीजन, मतलब 4 फास्फोरस से 4 ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, और उसके बाद 6 ऑक्सीजन जो है वो एक, मतलब दोनों, मतलब दो दो फास्फोरस से वो बॉन्ड को शेयर किए हैं। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन इट 16, सिंगल बॉन्ड आर सिग्मा बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा एंड 1 पाई। क्वेश्चन 2, इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7 नंबर ऑफ सिग्मा एंड डी पाई पी पाई बॉन्ड आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉस्फोरिक एसिड में कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड बनते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे 2 फॉस्फोरस है तो 4 हाइड्रोजन है तो OH बना लेंगे, 4 OH बनेंगे, और 2 ऑक्सीजन जो होंगे वो डबल बॉन्ड करके जुड़े होंगे, और 1 ऑक्सीजन जो होगा वो 2 फास्फोरस के बीच में होगा क्योंकि दोनों फास्फोरस से बॉन्ड बनाया होगा। तो इसमें सिग्मा जो होंगे वो 12 बनेंगे और डी पाई पी पाई बॉन्ड 2 बनेंगे क्योंकि 2 ऑक्सीजन बस डबल बॉन्ड बनाते हैं, और जो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बना है वो भी एक एक बॉन्ड बनाए हैं। तो यहाँ पे पूरे 12 बॉन्ड बनेंगे सिग्मा एंड 2 डी पाई पी पाई बॉन्ड बनेंगे। तो क्वेश्चन 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ H4P2O7 इज पी, प्रत्येक मतलब इच फास्फोरस के साथ OH 2 है, 2-2 है, तो OH के बीच में एक एक सिग्मा बॉन्ड हो गए O और H के बीच में, और जब वो फास्फोरस से बना रहे तो वहां पे भी सिग्मा बॉन्ड, तो आप एड कर सकते हैं टोटल यहाँ पे 12 सिग्मा बॉन्ड है और 2 डी पाई पी पाई बॉन्ड है। क्वेश्चन 3, 4 डायटॉमिक स्पीशीज आर लिस्टेड बिलो इन डिफरेंट सीक्वेंस, विच ऑफ दीज प्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर को निकालने के लिए हम हीलियम, पहले हीलियम को लेते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है। यहाँ पे 2 हीलियम है तो 4 होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे 3, हीलियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 लेंगे। तो ये 1s2 सिग्मा 1s2 एंटी सिग्मा 1s1, एंटी सिग्मा 1s1 में एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 ही है। तो Nb-N1 जो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए Nb-N1 करते हैं अपान 2 करते हैं, और Nb जो कि सिग्मा द्वारा बने हैं और माइनस एंटी सिग्मा द्वारा जो बने हैं वो माइनस करेंगे तो 2-1/2 मतलब 1/2। ऐसे ही सभी के हम निकालेंगे, जैसे कार्बन के सी, कार्बन के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? 6 होते हैं, और 2 कार्बन है तो 12, और 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 माइनस लगा इसमें तो बाहर से 2 आया तो 14। इसके भी ऐसी सिग्मा 1s2 एंटी सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2 एंटी सिग्मा 2s2, और सिग्मा पाई, पाई 2pz2, पाई 2px, पाई 2py, फिर अगर उससे ज़्यादा है तो एंटी में भी जाएंगे, ऐसे एंटी का एंटी 2px2, एंटी पाई 2px, ऐसी करके हम इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सबसे ज़्यादा है C2 2- का, और ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद NO का, फिर O2- का, और फिर HE2+ का। तो
सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे सॉल्व किया है, कैलकुलेटिंग द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ वेरियस स्पीसीज ओ टू माइनस के लिए सिग्मा टू एस टू के के सिग्मा टू एस टू एन टी सिग्मा टू एस टू सिग्मा टू पी जेड टू के के यहाँ पे जो है वो है सिग्मा वन एस टू और एन टी सिग्मा वन एस टू के लिए, उसके बाद टू टू करके तो यहाँ पे एन बी माइनस एन वन, एन बी आप देख सकते हैं कितने हैं, वन एस टू के साथ टू थे और टू टू फोर, जितने आप सिग्मा सिग्मा एन बी आप किसको किसको लेंगे, जहाँ पे एन टी नहीं लगा है सिर्फ सिग्मा लगा है, एन टी ये जो कुछ अलग की तरह स्टार की साइड दिखा रहे हैं ये एन टी कहेंगे जाएंगे, और आप देख सकते हैं टू जिसमें जिसमें सिग्मा लगे हैं टू 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 पी जेड का यहाँ पे भी टू 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 फोर टू सिक्स टू एट, एन बी कितने हैं एट है और एन वन जो है वो कितने हैं फाइव है, यहाँ पे आप कहेंगे वन एच टू और एंटी सिग्मा वन एच टू क्योंकि वो दोनों दोनों कट गए, वन एच टू सिग्मा और सिग्मा वन एच टू और एंटी सिग्मा वन एच टू दोनों बराबर थे तो दोनों को यहाँ पे खत्म कर दिए, तो यहाँ पे एट माइनस फाइव पॉइंट टू करेंगे तो कितना आया वन पॉइंट फाइव, ओ टू माइनस का वैल्यू क्या आया वन पॉइंट फाइव आया, फिर ऐसे ही सभी का निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर और जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा उसे सबसे ज्यादा कहेंगे, उसके बाद जैसे जैसे वैल्यू होगा हम वैसे वैसे उसे लिख देंगे कैलकुलेट करने के बाद, एनओ का 2.5 आएगा और सी टू टू माइनस का आप 3 आएगा, इसका सबसे ज्यादा रहेगा इसलिए सी टू टू माइनस पहले फिर एनओ फिर ओ टू माइनस और एच ई टू टू प्लस क्या होगा 0.5 होगा, तो फ्रॉम दीज वैल्यूज वी कंक्लूड that the correct order of increasing bond order is C2 2 minus less than NO less than O2 minus phir sabse less than HE2 2 plus. Question 4, the type of bonds present in CuSO4 5H2O are inke beech kitne prakar ke bonds present hain, yahan pe question mein ye pucha hai, to CuSO4 matlab SO4 jo hai S aur O ke beech mein कौन सा बॉन्ड है कोवेलेंट है, और सी यू एस ओ फोर टू माइनस सी यू टू प्लस को अलग हम ले लें और एस ओ फोर टू माइनस मतलब टू माइनस से और मतलब दो इलेक्ट्रॉन इसे और चाहिए थे और कॉपर इसे दो इलेक्ट्रॉन वो दिया तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना इलेक्ट्रोवेलेंट जो कि इसके वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा था तो इलेक्ट्रोवेलेंट बना और इंटू फाइव एच टू इसके बीच कौन सा बना है बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो यहाँ पे कितने प्रकार के बॉन्ड बने हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, CU2+ एंड SO42- फ्रॉम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, SO42- में कौन सा बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड है सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में एंड H2O फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्वेश्चन 5, इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज on each nitrogen atom from left to right. तो left वाला जो nitrogen है उसे देखते हैं, nitrogen की valency क्या होती है outermost में से कितने होते हैं 5 electrons होते हैं तो इसकी 5 होगी, nitrogen कितने bond बस बना सकता है 5 के साथ अपनी electrons को share कर सकता है, तो यहाँ पे अगर हम जो bond देख रहे हैं left to right अगर हम जाएं तो पहला nitrogen है और जो बीच में उसकी nitrogen है उसके साथ वो double bond बना रहा है मतलब यहाँ पे अपने दो electron को share किया है, और ये जो लोन पेयर है ये दो इलेक्ट्रॉन ये डॉट जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं, इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ये 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है मतलब इसे बाहर से एक इलेक्ट्रॉन मिला है तो क्या है इसका माइनस वन होगा, और उसके बाद जो नाइट्रोजन है बीच में वो दोनों साइड दो दो डबल बॉन्ड बना है और इसके पास एक भी डॉट नहीं है डॉट पॉइंट डॉट स्ट्रक्चर नहीं है तो जरूर ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया है क्योंकि 5 होते हैं ना इसके बाहर में यहाँ पे तो 4 ही दिखा रहा है दो इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर किया और दो इलेक्ट्रॉन उसके साथ तो एक कहाँ गया किसी और को दिया है तो मतलब प्लस वन, फिर उसके बाद जो नाइट्रोजन है उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है मतलब दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया और 4 इलेक्ट्रॉन डॉट के रूप में रखा है तो कितने हुए 6 हुए मतलब इससे भी किसी ने दूसरे ने दिया है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसे बाहर से मिला है इसलिए माइनस वन, तो कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट माइनस वन प्लस वन माइनस वन, 5 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। फॉर्मल चेंज ऑन एन एटम इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो
1, 2 and 3. N1 equal to 5 minus 4 minus 1 by 2 into 4. मतलब 4 इसने रखा है और 5 जो है इसका total number of valence electron in the free atom. Total number of free atom is available. इसके पास total number of electron कितने हैं? 5 है. और total number of non-bonding जो bond नहीं बना है वो कितने हैं? वो 4 है. और minus 1 by 2 into total number of bonding electron जो bond बना है वो कितने electron है? 1 by 2 into 4. 4 electron. तो क्योंकि 1 half ये जो डबल बॉन्ड बना है यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन मिलके तो बना है डबल बॉन्ड लेकिन इसका तो आधा ही ना तो 1 by 2 into 4 मतलब इसने 2 ही दिया है तो equal to 5 minus 6 equal to minus 1 तो यहां से वैल्यू में पता चला minus 1 है फिर n2 का भी ऐसे ही पता करेंगे 5 minus 0 क्योंकि इसके बाहरी बाहर में सबसे तो जब ये नॉर्मल में था तो इसके पास 5 थे और minus 0 इसके बाहर कोई भी नॉन बॉन्डिंग में कोई नहीं है यहां पे माइनस क्या है ना टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है इसने जितने भी थे बॉन्डिंग में लगाए तो बॉन्डिंग में कितने लगाए इसने 8 टू साइड n1 वाले से और टू साइड n2 वाले से तो 1/2 * 8 क्योंकि टोटल तो 8 है ना 4 साइड 8 और इसने 1/2 ही हिस्सा इसका 1/2 ही उसमें हिस्सा है तो 1/2 * 8 तो 5 - 4 = + 1 मतलब इसने प्लस 1 किसी और को दिया है n3 में 5 टोटल बाहर और फिर 4 जो है वो बॉन्ड नहीं बनाए हैं और वो डॉट के रूप में दिखाए जा रहे हैं और 4 बना है लेकिन उसमें से 1 हाफ इसका है तो इक्वल टू -1 क्वेश्चन 6 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा तो H2O H2O जो है वो sp3 बनाता है और यहां पे क्योंकि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तो बना रहा है लेकिन ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर भी तो है तो एक-एक दो बॉन्ड और दो लोन पेयर तो 4 मतलब sp3 बना रहा है लेकिन इसके जो ये लोन पेयर है ये इसे दबा दे रहे हैं एंगल को बेंड कर दे रहे हैं इसलिए ये बनाता है 108 बनाता है और एंगल इसका जो होता है H2O का वो 104 होता है 104.5 और CH4 जो है वो एंगल बनाएगा 109.5 इसका भी एंगल बेंड हो जाता है और ग्रेफाइट उस पे जो एंगल बनेंगे वो बनेंगे 120 क्योंकि ये sp2 होता है और SO2 जो बनाएगा उसमें 119.5 तो सबसे ज्यादा किसका हुआ ग्रेफाइट का ऑप्शन सी इज करेक्ट बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा ग्रेफाइट का क्योंकि SO2 में भी लोन पेयर रहते हैं और वो भी बैंड कर देते हैं इससे 119.5 ही बनता है सी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ गिवन स्पीशीज आर ग्रेफाइट 102 डिग्री SO2 119.5 डिग्री CH4 109.5 डिग्री और H2O 104.5 डिग्री क्वेश्चन 7 द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन एडजेसेंट एटम इन ग्रेफाइट इज The nature of bonding between adjacent atom in graphite is graphite में कौन सा जो उसके atom आपस में जुड़े होते हैं उनके बीच में कौन सा bond होता है nature of bonding between उनके बीच में कौन सा वो bond रहता है तो उनके बीच में covalent bond होता है option A is correct 7 का A question 8 the percentage S character of the hybrid orbitals in methane, ethene and ethyne are respectively. तो methane जो होता है, वो CH4. तो CH4 है, तो यहाँ पे उसका जो hybridization है, वो क्या होगा? sp3 होगा, और sp3 है, तो यहाँ पे S character कितना है? 25%, क्योंकि यहाँ पे 4 है, अगर देखा जाए, तो और P उसमें 3 है, hydrogen 1 ही है, तो 25%, और फिर इथीन जो बन रहा है यहां पे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है यहां पे जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बना रहा है एक डबल बॉन्ड बना ले रहा है और तो सिंगल बॉन्ड जो है वो दो ही बनेंगे क्योंकि वो दो इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है प्लस 4 होता है और
चार ही बॉन्ड वो बना सकता है, तो जब वो दो डबल बॉन्ड में दो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, अब दो ही इलेक्ट्रॉन्स के पास है जो कि वो हाइड्रोजन से बनाएगा बॉन्ड, तो ये कितने बॉन्ड बना रहा है, पूरे तीन सिग्मा बना रहे, मतलब sp2 बनाएगा, और sp2 में s के कितने कैरेक्टर रहेंगे, 33%, 33.3%, तो इसलिए यहाँ पे s का कैरेक्टर क्या रहेगा, 33, और इथाइन, इथाइन में ये तीन बॉन्ड बना लेगा, एक सिग्मा टू पाई, तो कार्बन के तो अपने चार इलेक्ट्रॉन ही, चार वैलेंसी उसकी होती है, वो चार ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो तीन तो वो जब ट्रिपल बॉन्ड बनाया है इथाइन, आयन में तीन बॉन्ड बनते हैं, जब वो तीन बॉन्ड उस पर बना लिया, मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बस वो हाइड्रोजन शेयर कर रहा है, मतलब दो सिग्मा बस बॉन्ड यहाँ बनेंगे, और जब दो सिग्मा बने तो sp, मतलब s का करेक्टर कितना रहेगा उसमें, 50%, और p का करेक्टर कितना रहेगा, 50%, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 25, 33 and 50. क्वेश्चन 8, ऑप्शन ए, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज्ड फॉर बॉन्डिंग इन मेथेन sp3, इथीन sp2 एंड इथाइन sp, हैव 25, 33 and 50% एस करेक्टर. क्वेश्चन 9, द बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl बॉन्ड इज 2.29 × 10⁻¹ मीटर, द परसेंट आयनिक करेक्टर ऑफ HCl इफ मेजर्ड डायपोल मोमेंट इज इतना, 6.226 × 10⁻³० कूलम मीटर इज. तो हम यहाँ से बॉन्ड लेंथ इसका दिया हुआ है और HCl है, तो इसलिए हम यहाँ से इसका p निकालेंगे, मतलब कि डायपोल मोमेंट निकालेंगे, और कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट अपन एक्सपेरिमेंटल जो कि 6.226 × 10⁻³० है, तो यो जब कैलकुलेट अपन एक्सपेरिमेंट जो कि हम किए हैं, तो जो हमें डायपोल मोमेंट निकला है इनटू 100 कर देंगे, तो वहां से हमें वैल्यू पता चल जाएगा कि कितने परसेंटेज आयनिक करेक्टर है, तो इसका वैल्यू आंसर आएगा 17%. क्वेश्चन 9, तो इसका हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे, डी हमें दिया हुआ था, क्यू है 1.6 × 10⁻¹⁹, क्योंकि क्लोरीन भी एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है और हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब वन इलेक्ट्रॉन के होते हैं, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ चार्ज इंटू 2.29 × 10⁻¹० जो कि उसका दिया हुआ था, तो वहां से आया 3.664 × 10⁻²⁹ कूलम मीटर. आयनिक करेक्टर के लिए एक्सपेरिमेंटल अपॉन कैलकुलेटेड, सॉरी मैंने कह दिया था कैलकुलेटेड अपॉन एक्सपेरिमेंटल, तो म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100, तो एक्सपेरिमेंटल जो है वो है 6.226 × 10⁻³० अपॉन 3.664 × 10⁻²⁹ इंटू 100, तो वैल्यू वहां से आएगा 17%. क्वेश्चन 10, मेथेनॉल एंड इथेनॉल आर मिसिबल इन वाटर ड्यू टू, मेथेनॉल और इथेनॉल को मिसिबल किया जा रहा है इन वाटर में ड्यू टू, उनके बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट करेक्टर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेक्टर, हाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट, उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेक्टर है, क्योंकि मेथेनॉल मतलब OH वहाँ पे है, इथेनॉल मतलब वहाँ पे भी OH है, और वाटर में मिक्सिबल किया जा रहा है, इनके बीच क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेक्टर है. 10 का बी, मेथेनॉल एंड इथेनॉल आर सॉल्युबल बिकॉज, क्योंकि ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्वेश्चन 11, ए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स, sp3 में s के कितने कैरेक्टर है, 25% है और p के 75%, तो यहाँ ऑप्शन ए 25% s कैरेक्टर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. 11 का ए, Each sp3 hybrid orbital has 25 s character and 75% is p character. Question 12, hybridization of carbon in CH3+ and CH4 are. तो कार्बन के यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बताना है, CH3 में क्या है और CH4 में क्या है, तो कार्बन के कितने होते हैं वैलेंसी, 4 होती है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस चार्ज दिखा रहा है कि वो एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया है, मतलब तीन हाइड्रोजन बनाए हैं, तो तीन सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो मतलब क्या होगा sp2, और CH4 में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, चार बन रहे, वो चार हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो कितने हुए sp3, ऑप्शन ए इज करेक्ट, sp2 एंड sp3. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH3+ इज sp2 एंड इन CH4 इज sp3. 13, द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिकॉर्ड टू
H2 plus and H2 minus is both H2 plus and H2 minus are equally stable? नहीं. Option B, both H2 plus and H2 minus do not exist. वो exist नहीं करते, नहीं वो exist करते हैं. Option C, H2 minus is more stable than H2 plus. नहीं. Option D, H2 plus is more stable than H2 minus. H2 minus से H2 plus more stable होता है. क्योंकि hydrogen में बस 1s1 तक होता है. लेकिन जब दो हाइड्रोजन बना लिए तो 1s2 तक बना लिए. लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर से आ जाएगा वो कहाँ उसे रखेगा. तो इसलिए H2 plus जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि 1s1 है वो ज्यादा स्टेबल होगा. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. H2 plus सिग्मा 1s1, बॉन्ड ऑर्डर उसका होगा 1/2, क्योंकि 1/2 1-0. H2 minus का होगा बॉन्ड ऑर्डर 1/2 2-1 = 1/2. बॉन्ड ऑर्डर तो दोनों के सेम ही होंगे. द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 plus एंड H2 minus आर सेम, बट H2 plus is more stable than H2 minus. In H2 minus, the antibonding orbital is filled with one electron. So, this causes instability. इसलिए इसमें instability होती है. Question 14. Electrovalent compounds are made up of, electrovalent compound जो होते हैं, वो made up of बने हुए होते हैं, जिसमें कि charges से वो जुड़े, मतलब से two इलेक्ट्रॉन्स चाहिए था तो उसने टू इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट उनमें हो रहा है, बॉन्ड कंपाउंड है. तो वो मेड अप ऑफ कैसे बने होते हैं? ऑप्शन डी, चार्ज्ड एटम्स. 14 का डी, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. दे पॉसेस इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. और लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, वो लूज भी करते हैं इलेक्ट्रॉन को और गेन भी करते हैं. एंड एटम becomes positively or negatively charged respectively. जब वो loss करते हैं electron को बाहर निकालते हैं तो plus, और जब वो gain करते हैं तो minus. The oppositely charged particle attract each other. जो opposite होते हैं plus और एक minus, तो वो attract करते हैं other, and those electrovalent compound is formed. तो electrovalent compound formed होता है. Question 15. The cylindrical shape of an alkaline is due to the fact that it has, जो cylindrical shape of an alkaline बन रहा है, is due to the fact it has. कौन सा उसके लिए fact है? क्या 3 sigma carbon carbon के बीच में 3 sigma बनता है जब वो alkaline होता है? alkaline में 3 bond बनते हैं तो नहीं. 2 sigma 1 pi नहीं. 3 pi bond बनता है carbon carbon के बीच में नहीं. 1 सिग्मा बनता है एंड 2 पाई बनता है कार्बन कार्बन के बीच में. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन 15 का ऑप्शन डी, इन एल्काइन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp, दैट इज ईच कार्बन एटम अंडरगोज sp हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. द 2 2p ऑर्बिटल्स रिमेंस अनहाइब्रिडाइज्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फ्रॉम 1 सिग्मा एंड 2 unhybridized orbital from pi bonds. Hence, 2 pi bond and 1 sigma bond between carbon-carbon lead to cylindrical shape. जो pi वाले होते हैं वो unhybrid orbital रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो cylindrical shape बनाते हैं. Question 16. The vapor pressure of figure बना है is higher than the due to. यहाँ पे जो NO OH के साथ NO2 जो जुड़ा हुआ है वो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा है, और यहाँ पे जो NO2 जुड़ा है वो पैरा पोजीशन पे जुड़ा है. बेंजीन से OH जुड़ा है एक साइड, और OH से NO2 जो है वो पैरा पोजीशन पे है, और इधर पहले वाले में NO2 जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे है. तो ऑर्थो पोजीशन पे है तो उसके साथ वो बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा. तो जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो हायर होगा इससे. तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट. हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण वेपर प्रेशर जो उसका वो हायर होगा, जहाँ NO2 जब पैरा पोजीशन पे जुड़ा है उससे ज्यादा हायर, उससे ज्यादा वेपर प्रेशर उसका होगा जो कि ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. 16 का सी, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज
इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन लेंगी. एंड पैरा इंट्रोफिनॉल हैज इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये जो करेंगे वो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, लेकिन जो आर्थो पे जुड़ा है वो इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा. हेंस आर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरा नाइट्रोफिनॉल एज इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से. तो इंट्रामॉलिकुलर बॉन्ड जो होता है वो कम होता है, इसलिए उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा. जितना लूजली वो बंधे होंगे उतना ही ज्यादा उनका वेपर प्रेशर होगा. इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज द अंडरलाइन कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन. इसमें से जिस पे अंडरलाइन किया गया हो कौन सा वो है जिसका की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. तो जो कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाएगा, मतलब एक भी वो पाई नहीं बनेगा, मतलब सारे सिग्मा ही रहेंगे. तो देखते हैं कार्बन फर्स्ट ए वाला देखते हैं. यहाँ पे जो कार्बन है वो तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना ले रहा है एक, और एक वो CH3 के साथ बॉन्ड बना रहा है, और एक वो OH के साथ. तो मतलब ये तो होगा नहीं. ऑप्शन बी, यहाँ पे कार्बन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और एक CH3 के साथ और एक OH के साथ. तो इसलिए यहाँ पे ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक भी पाई नहीं है, और इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. 17 का ऑप्शन बी इज करेक्ट. इन CH3 CH2 OH अंडरलाइन कार्बन इज फॉर्मिंग 4 सिग्मा बॉन्ड्स, हेंस sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन अदर इट्स इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ड्यू टू 3 सिग्मा बॉन्ड्स. क्वेश्चन 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग formula does not correctly represent the bonding capacity of the two atoms involved. इसमें से कौन सा जो formula present किए गए हैं वो correctly represent नहीं है, मतलब सही नहीं है, कौन सा इसमें से जो कि गलत दिखाया जा रहा है. तो phosphorus जो होता है वो 5 बनाता है और 4 hydrogen के साथ बना है, 1 plus 4 दिखा रहा है कि मतलब वो किसी और को इलेक्ट्रॉन दिया है, किसी और के साथ बना है या फिर किसी और को दिया है. ऑक्सीजन जो है वो भी फ्लोरिन के साथ बनाया है, ऑक्सीजन पे प्लस 2 चार्ज है, एक उसके द्वारा कि उसके साथ, ये भी सही है. यहाँ पे भी नाइट्रोजन का जो होता है वो 5 होता है, तो 2 वो ऑक्सीजन के साथ बनाया है डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन के साथ बनाया है, एक के साथ OH बनाया है सिंगल बॉन्ड, और एक के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के साथ, मतलब अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया है उसे. तो 5 इसके पास होते हैं, 2 उधर, 1 इधर और 2, मतलब 5, ये भी सही है. और फिर ऑप्शन डी, कार्बन फर्स्ट जो पहला कार्बन जो दिखाया जा रहा है यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनाया है और सिंगल बॉन्ड बना है, और कार्बन का जो होती है 4 वैलेंसी होती है, वो 3 नहीं 4 बनाता है. तो पहला भी जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो भी गलत है, और उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे कार्बन है वो जो है वो 5 बना ले रहा है, कार्बन 3 या 5 नहीं, मतलब कार्बन 4 बनाता है. तो जो यहाँ पे ऑप्शन डी इज रॉन्ग, ऑप्शन डी सही नहीं है, गलत है. तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक बनाया है और एक डबल बॉन्ड बनाया है, और एक कार्बन जो है वो 5 बॉन्ड बना ले रहा है. तो द स्टार मार्क्ड कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 5 एंड हेंस दिस फार्मूला इज नॉट करेक्ट. तो इसलिए ये सही नहीं है क्योंकि इसकी 5 वैलेंसी है. तो यहाँ पे जिपमर में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस हमने किए, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में पूछे गए थे. किसी और भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस डिस्कस या फिर किसी और चैप्टर्स के बारे में पूछने के लिए प्लीज कमेंट जरूर करिए. And please subscribe my channel.